इंजीनियर्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बलराम कुमार और आप देख रहे हैं ग्रैंड शॉप सिविल। तो आज हमारे साथ तौकीर सर जुड़े हुए हैं और ये मेरे स्लैब पे काम हो चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो सर थोड़ा सा बताइएगा कि ये पॉकेट सब हम लोग क्यों छोड़ते हैं सर, और ये इसका नाम क्या होता है सर? देखिए, ये जो मोस्टली नॉर्मल स्लैब में नहीं आता है जी सर, जो भी पीटी स्लैब आता है, पीटी स्लैब जहाँ भी आएगा वो ये स्ट्रेसिंग के लिए हम लोग जो अपना वायर डालते हैं, यस सर, इसके लिए ये फोर स्ट्रिप हम लोग छोड़ के पॉकेट रखते हैं बाद में स्ट्रेसिंग करने के लिए, यस सर, जो बाद में हम लोग आसानी से स्ट्रेसिंग कर सकें। इसके वजह से हम लोग स्टील को ओपन करके मशीन हमारा बैठ सके, यस सर, स्ट्रेसिंग करते समय इसके वजह से हम लोग पॉकेट को इतना ओपन रखते हैं कास्टिंग टाइम स्टॉपर मार के। ये नॉर्मल स्लैब में नहीं आता है, ये मोस्टली सिर्फ पीटी स्लैब में, पीटी वर्क में ओनली आते हैं। तो सर के कहने का मतलब है कि ये हम लोग जो ये खोल के छोड़ते हैं, ये आपको वायर जो दिख रहा है, ये इस टाइप में जो वायर दिख रहा है आपका, ये सब पीटी का है। इसमें तीन टेंडन है, एक दो और ये तीन टेंडन है। इसका क्या है, अभी इसको ओपन कर दिया, इसका मशीन लगेगा, U70 पंप लगता है, U70 पंप से इसको स्ट्रेसिंग करके फिर इसको लॉक कर दिया जाएगा, फिर से इस पर स्टील बांध दिया जाएगा, फिर इसको भर दिया जाता है। इसका मेन टेक्निकल नेम में पॉकेट इसको बोला जाता है। एक्चुअली में ये पीटी स्लैब में ही होता है। तो सर ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, इसका क्या नाम है सर, ये जो ऐसे हम लोग छोड़ के रखे हैं, इसका क्या नाम है? ये जो कटआउट है, कटआउट मोस्टली कई टाइप्स के कटआउट्स होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिकल शॉफ्ट है। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल पोर्शन का जो भी वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क होके, हाँ, उससे होके वायर जाने वाला है, यस सर, तो ये हमारा टिपिकल होता है, टिपिकल फ्लोर पे ही आता है, सारे मतलब जितना फ्लोर हमारा, और ये पूरा टॉप तक रहेगा। ये अलग अलग होते हैं, फायर शॉफ्ट होते हैं और अपना HVAC शॉफ्ट होता है, SBAC, ये इलेक्ट्रिक शॉफ्ट है हमारा, ये इलेक्ट्रिक का शॉफ्ट है। पीछे हमारा ये है, ये कौन सा शॉफ्ट बोले सर, ये वाला, ये हमारा HVAC वाला है, ये जो हमारा शॉफ्ट है, यस सर, ये कई टाइप्स के शॉफ्ट होते हैं, अलग अलग कटआउट हम लोग लेते हैं एज पर ड्राइंग ये मेंशन रहता है ग्रुप ड्राइंग में, उसके हिसाब से हम लोग कटआउट जितने का रहता है, 3x4 का या जो भी हमारा मेजरमेंट रहता है, हम लोग उसके हिसाब से कटआउट डाल के फिक्स करते हैं। तो सर कह रहे हैं मतलब बहुत टाइप के कटआउट होते हैं, कटआउट में क्या होता है, HVAC इलेक्ट्रिकल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो इस टाइप का कटआउट होता है। ये सब जितना भी आप लोग देख रहे हैं ना, सब पॉकेट है, इसको पॉकेट में काउंटिंग किया जाता है। और स्ट्रेसिंग के लिए जो हम आप लोग को बोले थे, इसका जो स्ट्रेसिंग होगा, इसका स्ट्रेसिंग के लिए यही पाइप है, यही मशीन है, ये मशीन का नाम है U70 पंप, और इसे लॉक करके ही ये मोटर स्टार्ट करके यही ये पंप करने वाला, ये देख रहे हैं इसको अपने मतलब रिलीज और पंप किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर से। और इसका एक जैक भी आता है, वो जैक, ये इसको जैक बोला जाता है, यही क्या करेगा ना, इसी से वो केबल में डाल के इससे प्रेशर लगाए, ये निकलेगा, ये निकल के फिर वो टाइट कर देगा, फिर हो जाएगा, वो स्ट्रेसिंग पंप है, इसको U70 पंप बोलते हैं। तो सर ये जो हम लोग जो यहाँ पे जो छोड़ के रखे, ये यहाँ से वहाँ तक जो छोड़ के रखे, एक इधर स्लैब है हमारा और सर एक इधर मेरा स्लैब है, तो दोनों स्लैब के बीच में हम लोग ये क्यों छोड़ दिए सर? ये मेन जो है ना, मेन फोर स्ट्रिप हमारा यही है, 1 मीटर का, 1 मीटर का, हाँ, दोनों हमारा जो 4-1-4-2 जो हमारा स्लैब है, इसी को हम लोगों ने क्या किया है, दो पार्ट में बिल्डिंग को बांटा है, दो पार्ट में। तो हमारा ये बीच में जो आता है, पूरा फोर स्ट्रिप आता है, यस सर, मशीन के लिए जो भी हमारा टेंडन गुजरा है, सभी तरह इधर ही गुजरा है, पूरा पीटी के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, हमने जो 4-1 कास्ट किया, यस सर, उसको हम लोगों ने क्या किया, एक फोर में स्टॉपर मार के हमने भर दिया, फिर एक मीटर हमारा फोर स्ट्रिप है, फिर हमने दूसरा जो फोर है हमारा वो 1 मीटर छोड़ के फिर हम लोगों ने कास्ट किया। तो ये जो एरिया है, अभी ये क्लीनिंग होगा, पूरा प्रॉपर ये क्लीनिंग करेंगे हम लोग, क्लीनिंग करके इसको ठीक करके और उसके बाद स्ट्रेसिंग करके उसको हम लोग फिर इसको भर दिया जाएगा, रिकॉस्ट करेंगे फिर हम लोग। तो सर के कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इसको फोर स्ट्रिप बोला जाता है, ये हमारा जो आप एरिया देख रहे हैं बहुत बड़ा स्लैब है, और बहुत बड़ा स्लैब होता है तो एक दिन में संभव नहीं रहता है, क्योंकि RMC का भी प्लांट आता है तो ज़्यादा टाइम हम लोग को जाता है, तो RMC प्लांट से TM नहीं आ पाता है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, इतने बड़े साइड है तो एक दिन में कास्ट नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं,
इसको दो पार्ट, तीन पार्ट या चार पार्ट में डिवाइड करते, तो ये मेरा बिल्डिंग दो ही पार्ट में एक्चुअली में डिवाइड हुआ है। और बस इतना ही था, इसको एक मीटर रखा जाता है कॉन्क्रीट को। और सर थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये स्टील सब जो रखा है किसके लिए सर स्टील सब रखा हुआ है? जो भी स्टील हमारा स्लैब होने के बाद हम लोग स्टार्टर कास्ट करते हैं, स्टार्टर कास्ट करते हैं। प्लानिंग जो हमारा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जिस दिन हमारा स्लैब कास्ट हुआ हुआ यस सर, और हमारा कंक्रीट थोड़ा सा 10 आवर्स के बाद जब थोड़ा सा अपना इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम करता है, फाइनल टाइम जब इसका शुरू होता है यस सर, तो हम लोग क्या कहते हैं ग्रूमिंग करने के बाद हम लोग स्टार्टर प्लानिंग करते हैं। स्टार्टर प्लानिंग करने के बाद क्या स्टार्टर कास्ट करते हैं, उसके वर्टिकल हमारा जो भी है, जो हमने स्ट्रैकेट छोड़ के रखा है नीचे से, पहले हम लोगों ने वीडियो में बात भी किया था स्ट्रैकेट के बारे में, स्ट्रैकेट हमने करके रखा उसके लिए जो भी ये स्टील रखा हुआ है उसको लैपिंग करने के लिए रखा हुआ है, लैपिंग करने के लिए मैं वर्टिकल है सर, उसको लैपिंग करने के लिए और थ्रेड करने के लिए। वो थोड़ा सा वर्टिकल इसका थोड़ा सा दिखा देते सर, वो मेन वर्टिकल और लैपिंग के लिए, और उसका एक कपलर भी होता है ना सर, तो ये थोड़ा सा दिखा दे सर। बता रहे थे ना स्टार्टर, पिछले भी वीडियो में बताया गया था ये स्टार्टर है, एक्चुअली में ये स्टार्टर का है, और ये वर्टिकल है, ये सर थोड़ा सा दिखाइएगा वर्टिकल। मेन वर्टिकल है ये हमारा 25 का बार्स है यस सर, और ये हमारा बीपी 20 का भी बार्स है, तो ये हमारा पूरा मेन जो हमारा एज फॉर ड्राइंग जो हमारा शेड्यूल में दिया हुआ है, सेकेंड से थर्ड हमको कितना फ्लोर कितना वर्टिकल ले जाना है, तो हम लोग उसके हिसाब से स्लैब बिफोर स्लैब हम लोग क्या करते हैं, जो भी लैपिंग छोटा पड़ता है या जो भी होता है उसको हम लोग मैनेज करके स्टैगर करके हम लोग ले लेते हैं, तो ये हमारा कंटिन्यू रहता है ये हर स्लैब।